हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास एलेवेंथ की जो आपकी वोविन वर्ड्स बुक है इंग्लिश की उसकी पोम नंबर वन जिसका नाम है द पीकॉक और आज कवर करूंगी मैं इस पोम के एम सी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपने मेरे इस पोम के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस और समरी एंड एंड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस नहीं देखे तो वो भी मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए अपलोडेड करके रख दिया है एंड अगर आपको जब भी लगे आप उनको विजिट करिए एंड आप उनको स्टडी करिए एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिस इज आर क्वेश्चन नंबर वन हु इज द पोएट ऑफ द पोम द पीकॉक ये जो पोम है जिसका नाम है द पीकॉक इसके पोएट यानी इसके कवि कौन है आपके सामने फोर ऑप्शन गिवेन है एंड जो सबसे करेक्ट ही आपको जो लगता है जो सबसे सही ऑप्शन है उस पर आपको करना है टिक मार्क ओके सो ऑप्शन नंबर ए है फिलिप लाकिन ऑप्शन नंबर बी है दिलीप चित्रे ऑप्शन नंबर सी है सुजाता भट्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन कीट्स अब जिन लोगों ने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे हैं समरी क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस देख रहे हैं या एक बार भी गलती से किसी ने बुक खोल के अबाउट द पोएट पढ़ लिया होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड यू वो आंसर कर देंगे सो ऑप्शन नंबर सी सुजाता भट्ट इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन यही पोएट है हमारी पोएम के ऑल्सो जो सुजाता भट्ट थी वो एक इंडियन है एंड अब प्रेजेंट टाइम में वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हैं अदर देन दिस ये क्योंकि फॉरेन में रहती हैं इस इनका अपने कंट्री इंडिया के लिए बहुत प्यार है बहुत प्रेम है इस वजह से इन्होंने इंडिया की जो नेशनल बर्ड है पीकॉक इस टॉपिक को चूज किया और उसी पर इन्होंने अपनी पोम लिखी सो ऑप्शन नंबर सी सुजाता भट्ट इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट व्हिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया नाउ वेरी इजी अभी-अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि इंडिया की नेशनल बर्ड कौन है तो ऑप्शन हैं आपके सामने ए वल्चर ऑप्शन बी पीकॉक ऑप्शन सी ईगल या ऑप्शन नंबर डी फ्लमेंगो सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली पीकॉक जो कि पोम का नाम भी है तो पीकॉक इंडिया की नेशनल बर्ड क्यों है मतलब अगर आ, कोई आपसे पूछ ले तो आप इसका क्या आंसर देंगे तो पीकॉक इंडिया की नेशनल बर्ड इसीलिए है क्योंकि ये श्री कृष्ण के मोर पंख यानी जो उनका मुकुट है उसमें जो ये पंख लगाते हैं जो फेदर श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा जो यूज़ करते थे वो पीकॉक का ही पंख यूज़ करते थे और इसीलिए इस बर्ड का पंख यूज़ करते थे क्योंकि ये सिर्फ इस दुनिया में ओनली ऐसी बर्ड है जो आ, आ, अपने पार्टनर के साथ बिना रिलेशन बनाए एक यंग वन को बर्थ देती है यानी जो मेल पीकॉक होता है जब उसकी आँख से आंसू निकलता है तो जो अदर पार्टनर होता है उस आंसू को पी लेता है एंड देन उनको एक बेबी पीकॉक होती है या होता है दैट इज वाई पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द थीम ऑफ द पोम ये जो पोम है आपकी द पीकॉक इसकी थीम क्या है यानी बेसिकली ये पोम है किस बारे में तो बेसिकली ये जो पोम है पीकॉक ये गुड लक के बारे में है अकॉर्डिंग टू मी क्यों क्योंकि पीकॉक एक गुड लक का प्रतीक है घर में कुछ भी अच्छा काम होता है कुछ भी भगवान की पूजा पाठ होती है श्री कृष्ण की पूजा होती है जन्माष्टमी होती है तो हम मोर पंख का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और पीकॉक को देख के एक बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग आती है हमें अच्छा फील होता है हमें हैप्पीनेस फील होती है उसको देख के उसकी सुंदरता उसकी ब्यूटी देख के राइट right? तो उसी पूरी ब्यूटी को पोम में हमारी पोएट ने एक्सप्रेस किया है अब बोला जाता है कि जो पीकॉक के पैर होते हैं वो सबसे अगली सबसे बदसूरत होते हैं लेकिन इस पोम में उसके पैरों का कहीं भी कोई मेंशन या जिक्र नहीं किया गया है सिर्फ उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एक पीकॉक के उसी को ही मेंशन किया गया है पोम में सो so, ऑप्शन देख लेते हैं पोम की थीम के लिए गुड लक येस जैसे मैंने आपको कहा था कि गुड लक के बारे में है हमारी ये पोम क्योंकि पीकॉक गुड लक का प्रतीत होता है पेशेंस यानी सब्र येस इस पोम में पोएट ने पोएट जो हमारी सुजाता भट्ट है वो एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बुक पढ़ रही होती हैं और बहुत कंसंट्रेशन से ध्यान लगा के पढ़ रही होती हैं सडनली उनको कौन दिखता है आते जाते एक पीकॉक की झलक ग्लिम्स दिखती है और वो ग्लिम्स उनको बहुत पेशेंस बहुत सब्र रखा उन्होंने तब जाके उनको एक झलक दिखी पीकॉक की क्योंकि वो बहुत फास्ट बर्ड है इधर से उधर हो जाती तो उनको ऐसा ब्लू शेडो जैसा दिखा तो यस हमारी पोएटने पोएटिस ने बहुत पेशेंस बहुत सब्र रखा तब जाके उनको एक पीकॉक की ग्लिम्स यानी कि झलक देखने को मिली लव यस पीकॉक लव का भी प्रतीत है क्योंकि ये एक ऐसी बर्ड है जो बिना अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए एक बेबी को बर्थ देता है क्योंकि मेल पीकॉक बर्थ देता है तो ये एक लव का प्रतीत भी है कि बिना रिलेशनशिप के आर हैविंग अ गुड बॉन्ड विद इन ईच अदर तो यस yes, ये एक लव का भी प्रतीत है सो बेसिकली लव के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी पोएटिस का लव हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है इस वजह से उन्होंने इंडिया की नेशनल बर्ड का टॉपिक लिया और इस पोम को लिखा तो so, ये भी लव के लिए एक रीज़न हम जरूर दे सकते हैं विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट आर द क्लूज दैट सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द पीकॉक इन दिस का मतलब समझते हैं का मतलब कोई चीज़ है आपके दिखाई नहीं दे रही आपको लेकिन आपको फील हो रहा है महसूस हो रहा है कि हाँ वो चीज हमारे आस पास प्रेजेंट है तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपको ऐसे कौन से क्लूज यानी आपको पोम पढ़ के ऐसे कौन से हिंट मिल रहे हैं जिससे आपको ये सिग्नल मिले कि हाँ पोम में जब पोएटस अपने पेड़ के नीचे बैठी हैं अपनी किताब पढ़ रही हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ पीकॉक विसिनिटी में है यानी कहीं आसपास है दिखाई नहीं दे रही लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि यस कहीं आसपास पीकॉक है तो क्या उन्होंने ऐसी हिंट्स या क्या उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी या सुनी जिससे पोएटर्स को ऐसा लगता है कि शायद आस पास विसिनिटी में आस कहीं कोई पीकॉक है सो ऑप्शनज हैं अलाउड शार्प कॉल यस, yes, पोएटस को एक बहुत तेज शार्प कॉल यानी बोले तो पीकॉक का साउंड सुनाई दिया जो पीकॉक बर्ड का साउंड है उनको वो सुनाई दिया तो जिससे उन्होंने ये गेस किया और उनको ये सिग्नल मिला कि यस आस पास कहीं पीकॉक है दिख नहीं रही लेकिन डेफिनेटली है तो यस ऐसा डेफिनेटली आपकी पोम में है फ्लैश ऑफ टर्कवाइज अब ये टर्कवाइज क्या होता है टर्कवाइज एक प्रेशियस स्टोन यानी एक पत्थर का नाम है जो ब्लूइश ग्रीनिश कलर का दिखता है एग्जैक्टली exactly इस स्टोन का वही कलर है जो पीकॉक का कलर होता है ब्लूइश ग्रीनिश कलर के उसके फेदर्स और उसका पूरी उसकी पूरी बॉडी तो yes, पोइट जब पोइट जब अपनी बुक पढ़ रही थी तो उनको एक फ्लैश यानी एक झलक दिखी कुछ ब्लूइश ग्रीनिश कलर की जो टर्कवाइज पत्थर जैसा कलर होता है तो उससे उनको ये हिंट मिली कि ये शायद आस पीकॉक है तो यस ये भी एक ऑप्शन राइट है अब ब्लू शैडो उनको एक परछाई दिखी ब्लू कलर की जिससे उन्होंने ये हिंट लगाई या उनको एक एक, एक uh, क्लू मिला कि ये ब्लू परछाई एकदम ऐसा जाते हुए दिखी तो मतलब ये कोई पीकॉक ही आसपास है विच मींस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रॉम विच ट्री द पीकॉक वॉज डिसेंडिंग अब डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है नीचे उतरना तो कौन से ऐसे ट्री का मेंशन करा गया है इस पोम में जिसके ऊपर पीकॉक बैठी थी और उसको डिसेंड होते हुए यानी पीकॉक ऊपर से नीचे उतरते हुए हमारी पोइटेस ने देखा डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे उतरना तो यस पीकॉक जो है एक ट्री पर बैठी थी पोम में वो कौन सा ट्री है जिसपे वो बैठी थी और पोयटेस्ट ने उसको डिसेंड होते हुए यानी उस पेड़ से नीचे उतरते हुए कहीं दूर जाते हुए फाइनली एंड में देखा तो वो कौन सा ट्री है ऑप्शन है ए पीपल ट्री बी मैंगो ट्री सी नीम ट्री या ऑप्शन ड्री डी बैनियन ट्री सो द करेक्ट ऑप्शन जो कि आपकी पोम में गिवन है वो की है पीपल ट्री अब पीपल का जो ट्री है उसके बारे में हमारी पोइटेस ने इस पोम में क्यों यूज़ किया वो चाहती तो मैंगो ट्री कोई अशोका ट्री किसी भी ट्री का वर्णन यानी मेंशन कर सकती थी लेकिन उन्होंने पीपल के पेड़ का ही क्यों मेंशन किया कि पीकॉक पीपल के ट्री पर बैठा और फिर उससे डिसेंड हो रहा था यानी नीचे उतर रहा था तो इसका रीजन ये है कि जो पीपल का ट्री है वो बहुत सेक्रेट, होली यानी कि धार्मिक मान्याओं मान्यताओं से जुड़ा है हमारी कंट्री इंडिया में और पोइटस को अपनी कंट्री इंडिया से बहुत प्यार है और पीपल के पेड़ को लोग वर्शिप भी करते हैं पूजा करते हैं यस इसीलिए उन्होंने पीपल ट्री का यूज किया है कि इसके ऊपर पीकॉक बैठी थी विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु ऑल विल बी डिस्टर्बड वेन द पीकॉक स्टार्ट मूविंग अब पोम में बताया गया है कि जब पीकॉक मूव होना स्टार्ट होती है यानी पीपल के पेड़ से नीचे उतरती है इधर उधर जब मूव होना स्टार्ट करती है अपने पंख फैला के वो डांस करने की कोशिश करेगी या इधर से उधर अपनी टेल अपनी पूँछ को अपने फैदर्स को इधर उधर मूव करेगी तो कौन से दूसरे जीव जंतु प्राणी या इंसेक्ट्स या एनिमल्स हैं जो पीकॉक के मूवमेंट से डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ऑप्शन हैं अ स्लीपिंग कैट यस पोम में बिल्कुल मेंशन किया गया है कि वहाँ पे एक सोती हुई बिल्ली है एक स्लीपिंग कैट है जो कि नींद से उठ जाएगी उसको डिस्टर्ब हो जाएगा जब पिकॉक अपने इतने बड़े बड़े फेदर्स पंख को ऐसे फैलाएगी और इधर उधर मूव करेगी तो यस ये एक राइट right ऑप्शन है पोएट्स वाइल्ड रीडिंग अ बुक पोएटस हमारी पोम की जो पोएट्स हैं सुजादा भट्ट वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी जब वो अपनी किताब रीड कर रही होंगी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो यस पोम में बिल्कुल ऐसा हुआ था कि जो पोएटर्स हैं वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बुक रीड कर रही होती हैं जो कि फुल कंसंट्रेशन से ध्यान लगा के वो पढ़ रही होती हैं एंड सडनली उनका ये ध्यान कंसंट्रेशन टूटता है एक ब्लू शेडो देखकर या फिर पीकॉक की आवाज़ सुन के कि ओके आस पास शायद कोई पीकॉक है अब ऑब्वियसली एंड में पोएटर्स को अच्छा बहुत लगा था पीकॉक को देख के बट समवेयर वो डिस्टर्ब तो हुई उनका ध्यान तो भटका किताब रीड करने से तो यस ये भी एक राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हनी बीज मतलब मधुमक्खी और जो ये साउंड होता है जो ये साउंड होता है ये हनी बीज का साउंड होता है और इस साउंड को हम बोलते हैं बजिंग तो ये भी बिल्कुल आपकी पोम में क्लियरली गिवन है कि जो हनी बीज है वो अपने बी हाईवी यानी मधुमक्खियों के छत्ते में जब रहेंगी तो जैसे कर रही होंगी इधर उधर उड़ रही होंगी लेकिन जैसे ही उस पेड़ से पीकॉक उतर रहा होगा अपने पंख फैलाएगा तो वो अपने ही बस करना अपना साउंड निकालना स्टॉप कर देंगी क्योंकि समहाओ एक बड़ी सी बर्ड आ गई इतने बड़े बड़े फेदर्स निकाल के तो वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी यस yes? तो ये भी एक राइट right ऑप्शन है विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन इफ यू लुक अप इन द टाइम यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल अब ये जो पूरी लाइन है ये लाइन आपकी पोम की है और इस लाइन का मतलब है पोएटर्स कहती है कि आप किताब पढ़ते पढ़ते इफ यू लुक अप इन टाइम यानी आप एकदम तो सही वक्त पे अगर आपने ऊपर देख लिया तो आप पीकॉक या उसकी झलक देखने की आपको मिल जाएगी जैसे ही वो अपने फेदर्स जो है गैदर कर रही होगी यानी कि अपने खुले हुए पंखों को बंद करके अपनी टेल पीकॉक के फेदर्स के नीचे उसकी एक छोटी सी टेल होती है जो तब दिखती है जब वो अपने पंखों को बंद कर रही होती है तो तब उसकी टेल आप देख सकते हो तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आपने सही वक्त पर अपनी किताब छोड़ के ऊपर देख लिया तो आपको वो चांस वो मौका मिल जाएगा कि आप पीकॉक को देख पाएंगे कि कैसे वो टर्न हो रही है अपने पंख बंद कर रही है उसकी टेल इधर से उधर जा रही है ऑल दीज थिंग्स आप ये देखने को आपको अवसर जरूर मिलेगा तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हाइपर हाइपरबोल वो पोएटिक डिवाइस है जिसका मतलब होता है कि, कि किसी लाइन में कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के हाइप करके बोली गई है एंड आई डोंट थिंक सो कि इस लाइन में कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के बोली गई है यहाँ तो पोइट ने सिंपल बात बोली कि अगर आप सही वक्त ऊपर देख लेंगे तो पीकॉक का ये ब्यूटिफुल नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है तो कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के इसमें नहीं बोली दैट मीन्स हाइपर बोल यूज नहीं हुआ है ऑप्शन नंबर बी पर सोनिफिकेसन पर सोनिफिकेशन वो पोइटिक डिवाइस है जिसमें आप ह्यूमन क्वालिटी कोई इंसानों की ऐसी क्वालिटी को आप किसके लिए यूज़ करते हो या तो एनिमल्स के लिए या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो यहाँ पे पीकॉक जो कि एक बर्ड है एक एनिमल जिसको हम बोल सकते हैं उसके लिए क्या यूज़ हुआ है वर्ड ही और हिज़ अब ही और हिज़ दो ऐसे शब्द हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं आदमियों हो के लिए ही फॉर मेल हिज़ यानी किसी आदमी की कोई चीज़ तो ये दोनों ही वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं मेल्स बेसिकली किसके लिए यानी ह्यूमंस के लिए इंसानों के लिए ये दो शब्द यूज होते हैं लेकिन इस लाइन में ये ही और हिज दोनों शब्दों को पी कॉक यानी एक बर्ड एक एनिमल के लिए यूज किया गया है जिस वजह से पर सोनिफिकेशन नाम का पोइट्रिक डिवाइस यहां पर यूज हुआ है दैट मींस बी इज द राइट ऑप्शन फिर भी हम ऑप्शन सी एंड डी को जरूर देखेंगे हो सकता है वो सही हो ऑप्शन नंबर सी है ऑलिट्रेशन अब ऑलिट्रेशन वो पोइट्रिक डिवाइस होती है फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में जब दो कॉन्सोनेंट के शब्द साथ में आ जाते हैं वहाँ पे ऑलिट्रेशन होता है फॉर एग्जाम्पल ए आई ओ यू ये पांचों शब्द जो है ये वावल्स हैं इन पांचों शब्दों को छोड़ के जो भी दूसरे बचे हुए लेटर्स हैं जैसे बी सी डी एफ ये सारे कॉन्जोनेंट होते हैं अगर एक लाइन में दो शब्द साथ में यूज कर लिए गए हों और दोनों का पहला लेटर कॉन्जोनेंट हो दैट मीन्स उस पूरी लाइन में ऑलिट्रेशन नाम का पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है आप कह लीजिए यू लुक ठीक है अगर यहाँ पे लिखा रहता फॉर एग्जाम्पल लव लुक मान लीजिए यू लुक की जगह लव लुक लिखा रहता दैट मीन्स ये दोनों शब्द साथ में आए हैं बीच में कोई वर्ड नहीं है और दोनों शब्दों का पहला लेटर क्या है एल यानी सेम है और कॉन्जोनेंट है ए ई आई ओ यू को छोड़ के दूसरा शब्द है यानी कॉन्जोनेंट है विच मीन्स पूरी लाइन में ऑलिट्रेशन यूज हुआ है और अगर आप देखेंगे इस पूरी लाइन में तो कहीं पर भी एक सिंगल जगह पर भी कोई ऐसे दो शब्द साथ में नहीं आ रहे जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्जोनेंट हो तो ऑलिट्रेशन भी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी इमेजरी इमेजरी नाम से ही समझ में आ रहा है कोई चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो कल्पना कर रहे हो तो किसी लाइन को पढ़ के अगर आपको ऐसा लगता है कि पोएट कुछ कल्पना कर रही है कुछ इमेजिनेशन का बता रही है तो वह इमेजरी यूज होता है लेकिन यहाँ कुछ इमेजिनेशन की बात हो ही नहीं रही क्योंकि सिंपली पोइटर्स ये कह रही हैं कि आपने अगर सही वक्त पे अपनी किताब छोड़ के ऊपर देख लिया तो आप पीकॉक का वो ब्यूटीफुल नजारा देख सकते हो तो इमेजरी भी नहीं होगा विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी पॉसोंनिफिकेशन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन बी सीन व्हेन द पीकॉक शट्स इट्स आइज जैसे ही पीकॉक अपनी आइज शट करती है यानी बंद करती है तो उसकी आँख के ऊपर क्या देखा जा सकता है या जाता है तो पोम के अकॉर्डिंग हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए वायलेट फ्रिंजस अब वायलेट क्या होता है वायलेट कलर जो पर्पलिश कलर होता है पीकॉक के फेस का और फ्रिंजेस यानी जो उसके आई लैशेज़ के जो छोटे छोटे हेयर छोटे छोटे बाल जो फाइबर्स होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं तो जैसे ही वो अपनी आईज़ बंद करती है तो ये जो एरिया है ये पूरा वायलेट कलर का दिखता है और यहाँ पे उसकी पूरी आईज़ के ऊपर और इधर इधर छोटे छोटे फ्रिंजेस यानी वायलेट कलर के बाल होते हैं तो येस वायलेट फ्रिंजेस बिल्कुल देखे जा सकते हैं वन पीकॉक शट्स इट्स गोल्डन एम्बर कलर अब ये एम्बर क्या होता है एम्बर एक स्टोन एक प्रेशर स्टोन एक पत्थर का नाम होता है जो येलोइश गोल्डनिश कलर का होता है तो उस एम्बर स्टोन जैसा जो येलोइश गोल्डनिश कलर होता है वो पीकॉक के आंख बंद करने पे दिखता है यहाँ पे। जैसे पीकॉक अपनी आइज बंद करती है तो जो ये पोशन होता है वहाँ पे ऐसा एक स्ट्रैप ऐसा एक पट्टा होता है जो एम्बर कलर का होता है वो दिखाई पड़ता है जब पीकॉक अपनी आँख बंद करती है वैसे नहीं दिखता तो यस ये गोल्डन एम्बर कलर भी का ये जो छोटा सा स्ट्रैप है छोटा सा जो पट्टा है वो हम बोल सकते हैं वो दिखता है वन पी को शर्ट से साइज डार्क ग्लोइंग आइज काली काली डार्क कलर की ग्लोइंग यानी चमकती हुई आँखें अब काली काली डार्क ग्लोइंग चमकती हुई आँखें तो तब दिखेंगी ना जब आँखें खुली होंगी तो वो ब्लैक कलर की पुतलियाँ दिखेंगी यानी कि ये जो पूरा एरिया है वो दिखेगा

अब एक फ्रेज एक छोटे से कुछ शब्द जो है आपकी पोम में यूज किए हैं जो कि है द सिलेंडर नेक तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस फ्रेज का मीनिंग यानी मतलब क्या है अब सिलेंडर नेक का मतलब इस तरीके का जो नेक होता है बेसिकली ये जो ऐसे नेक का जो शेप होता है उसको हम सिलेंडर नेक बोलते हैं और जो पीकॉक के नेक का शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बहुत ब्यूटीफुल बहुत अट्रैक्टिव होता है यानी पतली सी जो उसकी लॉन्ग नेक दिखती है बिल्कुल अट्रैक्टिव सी ब्यूटीफुल सी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो वो जो फ्रेज है द स्लेंडर नेक ये किसके नेक किसकी की ब्यूटिफुल गर्दन नेक के बारे में यूज़ किया गया है पीकॉक के लिए तो उसका मीनिंग देख लेते हैं ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए थिन इन एन अट्रैक्टिव वे बहुत पतली सी गर्दन नेक जैसी पीकॉक की होती है और किस तरीके से बहुत अट्रैक्टिव वे से कि यानी कि उसका क्या उसके नेक का बॉडी शेप है और उसकी पूरी ब्यूटी उसके नेक से झलक रही है तो यस ये एक ऑप्शन हो सकते हैं और ऑप्शन देखते हैं थिक इन एन अट्रैक्टिव वे बहुत मोटी पर अट्रैक्टिव वे में तो पीकॉक की नेक स्लेंडर है यानी पतली है अट्रैक्टिव वे में थिक यानी मोटी नहीं है एंड अगली नेक यानी एक बदसूरत नेक की बात हो रही है इस फ्रेज में तो बिल्कुल भी नहीं पीकॉक के बहुत प्यारे पतले से अट्रैक्टिव नेक की बात हो रही है ऑप्शन डी कोई भी ऑप्शन नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम जब आप पूरी पोम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक आपको पोम की टोन कैसी पढ़ने में आ रही है कि टोन कैसी है पोम की ऑप्शन ए सैड टोन क्या आपको पूरी पोम पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख दुख से भरी दुख दुखी वाली पोम है सैड पोम है बिल्कुल भी नहीं पोएट तो बहुत खुश हैं बहुत हैप्पी हैं और पीकॉक जो कि नेशनल बर्ड है इंडिया की उसकी सुंदरता को बहुत अच्छे से खुशी से क्या कर रही है डिस्क्राइब कर रही है अग्रेसिव टोन यानी एंगर क्या गुस्से भरी टोन लग रही है पूरी पोम पढ़ के बिल्कुल भी नहीं पोएट तो आराम पोएटेस तो आराम से अपनी किताब पढ़ रही है और क्या देख रही है पीकॉक की झलकियाँ यानी ग्लिम्स देख रही है और वो खुश हो रही है हैप्पी टोन यस एक खुशी भरी टोन आपको फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक दिखेगी जिसमें पोएट एक ब्यूटिफुल बर्ड को डिस्क्राइब कर रही है और हिंदुस्तान के लिए अपने प्यार को रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमरस टोन ह्यूमरस का मतलब क्या होता है हंसी मजाक कॉमेडी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई पोएटस्ट जो है पूरी पोम में कोई जोक मार रही है या हंसी टिटोली कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है तो ह्यूमरस टोन भी नहीं है विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी हैप्पी टोन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो चिल्ड्रेन वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन आई होप आपको सारे एम सी क्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं अगर यूट्यूब पर ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ मैगने ब्रिम्स डॉट कॉम जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन गिवन है अलग अलग क्लासेस के फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास एलिंथ का अगर कोई वीडियो देखना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इलेवंथ के टीचर्स की सारी लिस्ट आ जाएगी मान लीजिए आपको क्लास इलेवंथ वोवन वर्ड्स के कोई वीडियोस देखने हैं तो ये उसका ऑप्शन गिवन है आप मेरे इस ऑप्शन पे क्लिक करिए एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके की इस बुक में जितनी भी वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल आपको जो ऐसे नंबर वन है माई वॉच उसके वीडियोज़ देखने तो इस ऑप्शन पर क्लिक करिए एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा एंड येस डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल क्योंकि मैग्नेट ब्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहे हैं तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर